हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, नए से मेरे चैनल को देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन आता है, उसे प्रेस कीजिए। बाद में बेल बटन आता है, उसको भी प्रेस कीजिए। जब मैं कोई भी नया वीडियो रखती हूँ ना, आपको नोटिफिकेशन से पता चलता है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। आज का वीडियो है आईब्रोज के लिए। अगर आपके आईब्रोज पतले हो तो ये वाला गुड़हल का फूल है, आप फ्रेश गुड़हल का फूल लेना है। ये तो इवनिंग हो गया था ना, इसलिए ऐसे हो गया था। आप मॉर्निंग लेते हो तो ये फ्लेवर फ्रेश होता है। इसको लेके आपको आईब्रोज के ऊपर रब करना है। ये एक नेचुरल पेंसिल जैसे भी काम करता है, आईब्रो पेंसिल जैसे। आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा कलर आ गया है, आपको ब्लैक कलर आ जाता है। इसे एक नेचुरल पेंसिल जैसे भी यूज़ कर सकते हो, और आपके आईब्रोज के हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। और आजकल बहुत सारे लोगों को 40 ईयर्स आने पर ही आईब्रोज वाइट हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम को भी ये निकाल देता है। अगर आप पहले से ही इस गुड़हल का फूल को यूज़ करते हो तो आपके आईब्रोज भी वाइट नहीं होते हैं। अब इसको कैसे यूज़ करना है ये भी देखते हैं। आप फ्रेश गुड़हल का फूल ले लीजिए, ये वाला रेड है, ऐसे ही होता है ये मॉर्निंग पे, और भी अच्छा फ्रेश दिखता है। अब इसको लेके आपके जो भी आईब्रोज होते हैं ना, उसके ऊपर अच्छे से रब कीजिए ऐसे। इसमें का जो भी जूस है वो आ जाएगा आराम से, इजी से होता है। आपको कोई मेहनत नहीं लगती है। देखिए, ऐसे ही आपके आईब्रोज ऊपर अच्छे से रब कीजिए, दो आईब्रोज ऊपर। इससे आपके आईब्रोज का झड़ना बंद हो जाता है और आईब्रोज भी बहुत ही थिक आ जाते हैं, और आपको फ्यूचर में आईब्रोज वाइट भी नहीं होते हैं। आप देख सकते हो, अच्छे से ब्लैक कलर देता है, एक नेचुरल आई पेंसिल जैसे भी ये काम करता है। आपको दिख रहा है ना, ये वाला ऐसे ही काम करता है। अगर आपको ऐसा वाला कलर आता है, आपको वीडियो में तो थोड़ा लाइट दिख रहा है, लेकिन ये तो बहुत ही डार्क आ जाता है। एक आईब्रो पेंसिल जैसे काम करता है, नेचुरल पेंसिल जैसे काम करता है। आप ये रेमेडी अच्छे से काम करता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सारे रेमेडीज आप ट्राई करे होंगे आईब्रोज झड़ने पर और है आईब्रोज अच्छे से आने पर, लेकिन ये वाला रेमेडी बहुत ही अच्छा काम करता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये वाला आपको कच्चे फूल मिलते हैं तो फ्रेश फ्लेवर्स, आप ये वाला रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके आईब्रोज ऊपर ऐसे अच्छे से रब कीजिए, आपके आईब्रोज का झड़ना रुक जाता है, आईब्रोज भी अच्छे से बढ़ने लगते हैं और वाइट भी नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छे से असर करता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए कितना अच्छा नेचुरल कलर आया है, ऐसे ही आ जाते हैं, एक नेचुरल पेंसिल जैसे भी काम करता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करके तो देखिए, मेरे कहने पर मत जाइए, आप एक बार ट्राई करके तो देखिए, आपको ही खुद पता चलता है ये कितना अच्छा से काम करता है। आपके आपके आईब्रोज नेचुरल कलर में, ब्लैक कलर में आते हैं, अच्छे से रीग्रोथ हो जाते हैं। अगर आपको गंजापन है सिर पर, बालों कहीं कम है, वहाँ पे भी ये फूल डाल के अच्छे से रब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको गंजापन हो तो एक ही बार में असर नहीं दिखता फ्रेंड्स, आप डेली करना पड़ता है इसको, जब ही आपको रिजल्ट मिलता है। आईब्रोज पर तो ये तो बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपको फ्रेश फ्लेवर्स मिलते हैं तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। यह है फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को नए से देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।